एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइएगा दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको सी टैट और यू पी टैट की तैयारी करनी है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाकी जो लिंक है वो दिया गया हुआ है। दोस्तों आज हम देख लेते हैं डी एल एड सेकेंड सेम के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हिंदी के होने वाले हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को सारी देखिएगा हमारी, क्योंकि दोस्तों हम डिफरेंट टाइप की बुक में से सारे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि बुक खरीदने को दोस्तों आवश्यकता भी नहीं है, है ना। सारे देख लीजिएगा, अति लघु और विकल्प जो है हम सारे करा देते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कहानी क्या है, तो अति सूक्ष्म स्पष्ट कहिए, ये आपको बताना है। तो कहानी शिक्षा देने का एक प्रभावशाली साधन तथा माध्यम है। कहानी के उद्देश्य बताने हैं आपको, कहानी से स्वस्थ मनोविद एवं मनोरंजन प्रदान किया जाता है, यानी कि मनोविनोद एवं मनोरंजन प्रदान किया जाता है कहानी से। दोस्तों अब देखिए छोटे बच्चे हैं, है ना, तो फ्रेंड्स वो सोचते हैं, वो कहते हैं आपसे कि कहानी सुनाओ, है ना, यानी कि कहानी क्या है, एक मनोरंजन का साधन भी है। अगला प्रश्न हमारा होगा कहानी शिक्षण का महत्व आपको बताना है। तो कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, बालकों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कहानी। कहानी के माध्यम से फ्रेंड्स आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और उनका मनोरंजन भी करा सकते हैं। कहानी शिक्षण के द्वारा कौन सी शक्ति का विकास होता है, क्वेश्चन अच्छा है अपना ये, कहानी शिक्षण से दोस्तों स्मरण शक्ति का विकास होता है। एक बार दोस्तों आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे ना तो आपसे वो मतलब दूसरे दिन को आपको वो सुना देगा, यानी कि उसकी जो स्मरण शक्ति है उसका विकास हो रहा है। अगला प्रश्न होगा कहानी शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बतानी है, तो इस विधि में छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। दूसरा, कहानी के द्वारा छात्रों का मनोरंजन होता है। अब देखिए आप टीचर हैं, है ना, आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने हैं, या दोस्तों आपकी टीचिंग लगती है ना, तो अगर आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो आपकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, वो कोई भी बच्चा सो नहीं मचाएगा, है ना, वो क्या करेंगे फिर कहानी के द्वारा छात्रों का मनोरंजन भी होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सहसंबंध का अर्थ बताइएगा, सहसंबंध का अर्थ क्या है, तो सहसंबंध का अर्थ है अध्ययन की सुविधा के लिए समस्त ज्ञान को कई भागों में विभाजित कर लिया गया है, प्रत्येक भाग को विषय कहते हैं, इन सभी विषयों के एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, विभिन्न विषयों को इस प्रकार के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय में बाहर की गतिविधियों में भागीदारी आपको बतानी है, तो गांव एवं कॉलोनी में एकांकी नाटक गति से गीत साहित्य प्रतियोगिता स्वच्छता कार्यक्रम आदि में भाग लेना विद्यालय से बाहर की गतिविधियाँ हैं। गद्य शिक्षण के प्रमुख अंग, तो पहला है वाचन, दूसरा व्याख्या, थर्ड है आपका विचार विश्लेषण। आत्मीकरण का उद्देश्य किन्हीं भाषा की किस विधा से संबंधित है, तो आत्मीकरण का उद्देश्य हिंदी भाषा की गद्य विधा से संबंधित है। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कवि की अनुभूति का ज्ञान करना एवं सौंदर्यानुभूति का ज्ञान कराना। पद्य शिक्षण में आदर्श वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पद्य की विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों हिंदी को हल्के में मत ले दीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर का है फ्रेंड्स ये पेपर, 12 नंबर पर आपको पास करना होता है, 12 दोस्तों लाने मुश्किल पड़ जाते हैं, है ना, हल्के में मत लीजिए, पढ़िए क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है अपना गद्यांश को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपना होगा कि पद्य शिक्षण में दो आदर्श वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पद्य की विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना। गद्यांश को सुनकर अर्थ ग्रहण करने वाला करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, छात्रों में स्पष्ट अर्थ समझने की शक्ति का विकास करना। पद्य तथा गद्य में अंतर बताइएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा इस पर, आप जो ना वीआईपी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है, पद्य तथा गद्य में अंतर बताइए। पद्य हमारे हृदय को स्पर्श कर भावनाओं को प्रभावित करता है, जो गद्य है फ्रेंड्स हमारे मस्तिष्क और बुद्धि को प्रभावित करता है, यही इसमें डिफरेंट है। इसका क्वेश्चन दोस्तों या तो आपको बहुविकल्प में मिलेगा या आपको अति लघु में मिलेगा, लघु में दोस्तों मिलता है 2 नंबर का, ओके। गद्य पाठ और द्रुत पाठ शिक्षण में मुख्य अंतर बताइएगा, द्रुत पाठ का अध्ययन विस्तृत है जबकि गद्य पाठ का अध्ययन सूक्ष्म है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए, तो बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित अभिव्यक्ति होते हैं।
और फ्रेंड्स अगर किसी को आप मौखिक रूप से बताएंगे तो वो आपका मौखिक हो जाएगा, मुझसे बोलकर और लिखकर बताएंगे तो वो लिखित अभिव्यक्ति होगी। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताने हैं आपको, तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी इत्यादि हैं। अब आपसे पूछेगा फ्रेंड्स लिखित अभिव्यक्ति के, ये भी क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स अपना, तो सार लेखन हो गया, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा हो गई, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन और आख्या लेखन इत्यादि। ध्वनि विज्ञान की परिभाषा दीजिए, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि का सर्वांगीण अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, क्वेश्चन है अपना, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। वाक्य रचना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वाक्य रचना को विन्यास कहते हैं, वाक्य विन्यास कहा जाता है। वाक्य के प्रमुख रूप से कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार हैं वाक्य के, पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा साहित्यिक दृष्टि से, थर्ड है आपका व्याकरण की दृष्टि से। शब्द किसे कहते हैं, एक या अधिक वर्णों से बनी ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन अपना बनेगा, आप वाक्य की परिभाषा दीजिए, ऐसे ध्वनि समूह को जिसमें भाव एवं विचार की पूर्णता से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अव्यभाव समास को उदाहरण देकर समझाने आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अविभाव समास। प्रथम पद अव्यय होता है और इसी का मूल अर्थ होता है, जैसे मूल पाठ यथा समानार्थ, इसमें मूल तथा यथा अव्यय हैं, जैसे कि दोस्तों प्रति दिन। अगला प्रश्न हो जाएगा तत्पुरुष समास को उदाहरण सभी सहित बताइएगा, और दोस्तों जो अविभाव है इसका उदाहरण आपको हो जाएगा यथाशक्ति, ये भी आपका अविभाव समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास को पूछ रहा आपसे, तो इसमें अंतिम खंड मूल होता है, जैसे भरपूर शक्ति संपन्न, दाल रोटी, संगम गंगा स्नान, बाधा दौड़, श्याम सुंदर। लिंग का अर्थ बताइए, लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा महिला होने का बोध होता है। पुल्लिंग बताइएगा, पुल्लिंग किसे कहते हैं, जैसे कि पुल्लिंग होता है पुरुष जाति को बोध कराने वाला, जैसे लड़का हो गया बंदर, कुत्ता, नगर, गांव, मोहल्ला इत्यादि। स्त्रीलिंग जो है स्त्री का बोध कराता है, जैसे बंदरिया, चिड़िया, नदी, नाव, साइकिल, बालिका, कुतिया, झील, नहर, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। काल के भेद बताइए, काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल का अर्थ बताना है इसको आपको, किसी कार्य का वर्तमान में होने का आभास होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, श्याम पड़ता है। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, देखिए जैसे होगी वर्षा हो रही है, प्रशांत दौड़ रहा है, यानी कि अपूर्ण है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, हो रहा है। अब ये बात आती है यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल, ट्रेन आती ही होगी, यानी कि आती ही होगी, आज विद्यालय में पढ़ाई हो रही होगी। वाचन का अर्थ बताइए, वाचन का अर्थ है पढ़ना, पाठ करना, उच्चारण करना। वाचन कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए इस पर, तो ये होते हैं आपके तीन प्रकार के, सस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। मौन वाचन से क्या अभिप्राय है, इसमें क्या होगा दोस्तों, बिना होठ हिलाए चुपचाप बैठकर पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं आपको, मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यवहार में चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन का उद्देश्य बालक की मनन एवं तार्किक शक्ति को विकसित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मौन वाचन के भेद बताइएगा, तो त्वरित मौन वाचन हो गया, दूसरा हो गया आपका गंभीर मौन वाचन। बाकी फ्रेंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, फटाफट अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।